वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम इस होम थिएटर को इस बोर्ड के साथ अपग्रेड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो हम इस बोर्ड को इस बोर्ड के साथ अपग्रेड करने वाले हैं। तो इसके सारे पुराने कनेक्शन हटा लेते हैं। तो ये पॉजिटिव की वायर निकाल ली, ये नेगेटिव की वायर और एक्सटर्नल स्पीकर की वायर है दोस्तों, जो कि हम बाहर से लगाने वाले हैं। तो ये 5 वोल्ट का पावर सप्लाई, ये ऑडियो इन। दोस्तों मैंने इसे बाहर से 78 जुरपास लगाया था 5 वोल्ट का सप्लाई बनाने के लिए, लेकिन उस बोर्ड में इनबिल्ट दिया हुआ है तो हमें कुछ झंझट नहीं है। तो इसे निकाल लेते पहले, निकल नहीं रहा। हाँ तो ये निकल चुका है। देखिए दोस्तों ये 6283 का बोर्ड है दोस्तों, जो कि मैंने पुराने डीटीएच से निकाला था। तो इसे साइड में रखते हैं और जिस कनेक्शन की हमें जरूरत नहीं है वो भी सारे कनेक्शन निकाल लेते हैं। ये ब्लूटूथ पैनल से ऑडियो इन की वायर है दोस्तों। तो हम स्पीकर की इंटरनल स्पीकर की वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड पे कनेक्शन ऑलरेडी दी हुए है। तो इस बोर्ड के जिस कनेक्शन की हमें जरूरत नहीं है वो कनेक्शन सारे निकाल लेते हैं। ये पॉजिटिव की वायर, तो सारे कनेक्शन निकाल लेते दोस्तों। ये 5 वोल्ट का सप्लाई है तो मैं इससे सारे कनेक्शन निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सारे कनेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हमने राइट का कनेक्शन कर दिया है, ये लेफ्ट का कनेक्शन, ये ऑडियो इन की वायर दोस्तों जो कि ब्लूटूथ पैनल से आई हुई है। तो सारे कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों मैं अभी। तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये सप्लाई की वायर दोस्तों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये ऑडियो इन की वायर दोस्तों, ये एक्सटर्नल स्पीकर के लिए, ये 5 वोल्ट का सप्लाई दोस्तों 5 वोल्ट के लिए, और ग्राउंड है। ग्राउंड प्रॉपरली करना चाहिए दोस्तों, ग्राउंड प्रॉपरली की तो हमें नॉइज बहुत ही कम आती है। ये एक्सटर्नल स्पीकर के लिए दोस्तों लेफ्ट चैनल, और ये राइट चैनल इंटरनल स्पीकर के लिए। तो हम बोर्ड को फिक्स कर ले। फिक्स करने के बाद हम इसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम इसे 12 वोल्ट से चलाने वाले दोस्तों, जो कि हम इससे चलाएंगे। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे लगा लिया है, देखिए ऑन हो चुका है। अभी मैं मल्टीमीटर से आपको इसका वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये 12 वेल आ रहा है बराबर, ऊपर के पॉइंट चलते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम पॉजिटिव की वायर कनेक्ट कर लिए, अभी नेगेटिव की वायर लगा लेते हैं। हमने ग्रीन वायर पॉजिटिव के लिए यूज की है दोस्तों। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। देखो तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है, तो हम इसका टेस्ट भी करेंगे अभी। देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, बहुत ही अच्छा बज रहा है दोस्तों। एक्सटर्नल स्पीकर लगाने के बाद इसका बेस और भी अच्छा आएगा दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।